Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वैसे इस काम के लिए मैं रिश्वत लूंगी पूरी चार कुकड़ियां और दो कबूतर। लो पौने दो कबूतरों का काम है, चार कुकड़ियां किस चीज की? चलो निकल निकल। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको चार कुकड़ियों का डिस्काउंट देती हूँ, दो कबूतरों में काम चला लूंगी मैं। अच्छा चल चला को मासी, अब ये बताओ कि उस चुड़ैल को यहाँ से भगाना कैसे है? उस चुड़ैल को भगाने के लिए मेरे ख्याल से मुझे खुद भी चुड़ैल बनना पड़ेगा। तो अगर वो नाना गई तो हमारे घर में दो चुड़ैलें हो जाएगी। तो सोने शमशी जी, चोट तो डाढ़ी लगी है लेकिन आपके नरमो नाजिक हाथ लगते हैं ना तो महसूस नहीं होती। नहीं मैं जी, आप आराम से बैठिए, बस बोलिए ना ज्यादा। नहीं मैं जी, ये जो पट्टी मैं आपको कर रही हूँ ना, इस पट्टी में मैंने वो चीजें डाली हैं जो अब तक किसी ने पहले नहीं डाली। तो इसका मतलब है आप मुझ पर तजर्बा कर रही हैं। अब आप देखिएगा, दो दिनों में आपका घुटना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ओए आप मेरा घुटना मरम्मत कर रही थी? और ये घुटना नहीं है, ये पुरपुड़ी है, पुरपुड़ी। वो कहते नहीं है कि एक मारूंगा तेरी पुरपुड़ी में। लगता है अफ्तार का वक्त हो गया है, बहुत प्यास लग गई है बहुत। इसको अपने मतलब की बात दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है। ओए अभी अजान होने वाली है, हुआ चाहती है बस। ओए 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 ओड़ पुल पुले के है, पुल पुले के, पुल पुले के, अल्लाह लेखे, अल्लाह अल्लाह लेखे देखे। अब ठीक है, माफी हो गई, उड़ पावे सारा पी लो। मनाज बीबी, आपको अल्लाह ताला ने ये इलम कैसे अता किया? हाय अल्लाह बहन, कुछ ना पूछो। ऐसा हुआ कि हम जब पहली दफा केराईची पहुंचे ना, ट्रेन से उतरी, रिक्शे में बैठी और सीधे इनके पड़ोस में रेनोवेशन रेनोवेशन हो रही थी ना हमारे घर में रेनोवेशन, तो हमें तो पता ही नहीं चला इन जैसी नेक हस्ती कब हमारे घर के पास आके रुक गई। हाँ आपस गया, नेक बंदों का क्या पता लगता किस वक्त आ जाए। वही तो, हमें भी तब पता चला जब तक पुलिस नहीं आ गई। पुलिस? हाँ, पुलिस से भी वाकफियत रखनी पड़ती है ना, हर किस्म के लोगों से वाकफियत रखनी पड़ती है। ना खैरी सलाह, वो क्यों? इसलिए कि आजकल लोग फ्रॉड ही बहुत कर रहे हैं, देखे ना, झूठ बोल के शादी तक कर लेते हैं। अरे वो अजान हो गई, दुआ कर ले। दुआ चले जी, दुआ। अंजुमन आपा, आपके पास कोई काली काली चीज है, यू नो काजल टाइप की? ये ले मार, मुझे ये बता के मेरा सारा मेकअप जाया क्यों करने लगी तू? अंजुमन आपा आप देखना, उस मिनाज आंटी को तो मैंने ऐसे भगाना है ना, वो वहां पहुंच जाएंगी जहां से कभी वापस ही नहीं आ सकेंगी। हाँ वैसे चुड़ैल बनने के लिए ना तुझे मेरे मेकअप की जरूरत नहीं है, मुंह धो लेना तो आधी चुड़ैल जो है ना वो निकल ही आएगी बीच में से। लालच ना होती ना तो बताती आपको। हाँ निकल। डरने की जरूरत नहीं है, ना डरो। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि अगर औरतों के सामने जिन आ जाए तो उनको जूती पकड़ के उसके साथ वो सलूक करना चाहिए जैसे रणछोड़ लाइन की औरतें एक दूसरे के साथ करती हैं। तमाम गैर मुताबिक अफराद दबाओ जाओ यहाँ से, खून पी जाओगे। ये आप से कह रही मैं तो तलाश में आपका हूँ। Ah, that's a nice guy.
जो डर नहीं लगा रही माँ? अंजू बराबर डर तो नहीं लगा, लेकिन माँ जी का जूता हर जगह लग गया। अंजू मेरी बात, अरे माँ अपना होलिया जल्दी से दुरुस्त कर ले, वरना अगर माँ जी ने तुम्हें इस होलिया में देख लिया तो हम दोनों को लाशें यहाँ बिछा देनी है। क्यों भाई? हाँ हमारी लाशें खड़ी कर देंगी, मेरा मतलब लटा देंगी। चल चल मुंह तो इधर आ, मुंह साफ कर, पिछू निकाल। नालायक निकम्मे निखट्टू, क्या करो बस कोई सुन लेगा यार। और वैसे भी एक थर्ड क्लास आइडिया तुम्हारा था। मैं एक बात बताऊँ, मैं ना आंटी वाकई बहुत पहुंची हुई औरत है, उसने मुझे मारने के लिए आंटी की शक्ल में फीमेल मॉकटेल भेज दिए थे। अपना बात सुन रहे हैं क्या? अबे अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या करें अब्बा बताओ ना। बात सुन, किसी तरह इसको ये इतला दे दो कि इसका शौहर फौत हो गया। अगर ये अपने शौहर से नफरत करती हुई तो, अपने शौहर के मरने पे खुश हुई तो क्या करेंगे? अब भागम भाग पहुँचेगी वहाँ और देखेगी कि उसका शौहर मुतवफी क्या छोड़ के मरा। आला मुझे छोड़ो, मैं जाके फोन करूँ उसको। गलतियों की माफी मांगिए और अच्छे अमाल को याद कीजिए। अल्लाह मियाँ जी, उस दिन ना आप ज़कैया ने लाहौर वालों के कपड़ों के बारे में बुरी बुरी बातें की थी, तो मैंने बड़ा हल्का सा जवाब दिया था, तो उस नेकी पर हम पर रहम फरमा। या अल्लाह, मैंने भी सुरैया के हाथ के बजाय का कड़ी कोफ्ते खाकर एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला था, उस सबर का मुझे भी सवाब देना। शाबाश शाबाश, और याद कीजिए। माँ जी क्या हुआ? रीमा जरा पानी तो लाए, मैंने ना इफ्तार भी ठीक से नहीं किया। मैंने जा मेरा बेटा। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे इसे क्या हुआ? रीमा क्या है? मैं ना आंटी का क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए पूछ रहा हूँ। वो कमरे में माँ जी के साथ। मेरी मामा अंदर है? हाँ। सुरैया आंटी भी अंदर है? हाँ। तीनों अंदर बैठे हुए? हाँ भाई हाँ। सब डरे हुए? एक बात बताओ, तुमने कहीं कपिल अंकल को अपना झूठा खाना तो नहीं खिला दिया? रीमा क्या है अब? यार तुम मेरा एक काम करोगी? सॉरी प्लीज रीमा। सॉरी पार्ट टू। निखट्टू यार ये। चलो कोई बात नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, आप परेशान लग रही हैं। बस डर गई थी। सुना मनाज बाजी बहुत पहुंची हुई हैं। हाँ है तो, लेकिन वो क्या बात है, आप खामोश हो गई? नहीं मैं खामोश तो नहीं हूँ। आप खामोश हुआ बिना कर, आप अच्छी नहीं लगती खामोश। काम ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों? वैसे तो आप बहुत खुश थी। खुशी का होना ना होना दिल से होता है, और कल मेरा दिल बहुत खुश था। और आज क्या हुआ? पता नहीं, दिल तो दिल होता ना, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। वैसे ऐसी कोई गम वाली बात हुई तो नहीं? तुम नहीं समझोगे, खुशी सिर्फ सच में होती है। झूठ थोड़ी देर के लिए तो खुशी दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। सुनाओ फिर सोनियो सजनो, की हालात ने? इस किस्म के ख्यालात ज़हन में नहीं लाने चाहिए। ओ जी मैंने आपका हाल पूछा है। नहीं नहीं, मेरे ज़हन में ऐसा कोई ख्याल नहीं। आपका सैर करने को दिल चाह रहा है। बिल? अरे किस चीज का बिल? ओ बिल नहीं, दिल दिल। आ जड़ा इत्थे हुंदा। दिल? हाँ। आए तो क्या कह रहा है आपका दिल? तो शुक्र है आपके कानों ने काम करना शुरू कर दिया है। वो मेरा दिल सैर करने को कर रहा है, आपका कर रहा है तो चलें? हाँ मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ पर। अच्छा चलें फिर। ज़किया आप जाके सो जाएं। अरे जब तक आप यहाँ बैठी हुई हो मुझे कैसे नींद आएगी? ऐसा करते हैं बीबी मनाज, आपके लिए ना गेस्ट रूम में इंतजाम करा देती हूँ। वो मैं कफील से कहती हूँ जाके इनको घर छोड़ा है। नहीं 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 नहीं, मैं यही रहूंगी आपके कमरे में,
देखिए ना, जब तक आप लोगों को डर लग रहा है मैं कैसे जाके सो जाऊं? हे, सारी रात गुजर जाएगी, हम बातें करते रहेंगे। बातें तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं कि कुछ पढ़ लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। हाँ मुझे भी इस वक्त अल्लाह ताला बड़े याद आ रहे हैं, वैसे भी मुश्किल में अल्लाह ताला बहुत याद आते हैं। ऐसा करते हैं कि हम रीमा के ससुराल वालों की बातें करते हैं, ध्यान बटा रहेगा। हाँ चलिए आपस गई आपकी बातें करें। मेरा तो दो जुड़वा बच्चों का किस्सा सुनाओ ना सुरैया को। अरे छोड़ो ना, क्या क्यों शर्मिंदा करें। अरे मनाज में भूल जाती है ना, तुम ही सुना दो ना। अच्छा सुनाए ना बीबी मनाज प्लीज। अब अच्छा इतना ही सरार कर रही हो तो सुना ही देती हूँ। भाई ऐसा हुआ, एक खातून थी, उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, औलाद नहीं थी बेचारी की। मैंने ऐसी दुआ पढ़ने को कही कि उनके यहाँ जुड़वा बेटे पैदा हुए। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, आपने ना मेरी अंजू पे दुआ जरूर पढ़नी है। अंजू, रीमा, रीमा अंजू, फटाफट बस जी, लाजमी आपने दुआ पढ़नी मेरी अंजू के लिए। रीमा जी, आपके इस लाहौर शहर में तो बहुत गर्मी है भाई, हवा तो चलती नहीं यहाँ पर। मेरी बात सुने, आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है? मोटरसाइकिल? तो देख ली। ओ जी, मैं तो बचपन से ही साइकिल बहुत अच्छी चलाता हूँ। आपने वो फिल्म देखी है आईना? आईना? हाँ, उसमें शबनम और नबीन दोनों मोटरसाइकिल पे एक दूसरे के साथ बैठकर समंदर पे गाना गाते हैं। अच्छा? हाँ सच में बहुत अच्छा लगता है। ओ हाँ, मोटरसाइकिल चलाने को मुश्किल थोड़ी है, चला लेंगे। तो फिर चले चले। अच्छा उधर किधर जा रही हो? मेकअप ठीक करा उधर। चलो तुम मेकअप कर लो, तो मैं फिर मोटरसाइकिल बाहर निकाल लेता हूँ। चलो इधर रखी। ओए 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 ओए, क्या करूं, ये जो आंटी है मेनास, ये तो चुप होने वाली है नहीं, और अम्मा भी इसको चुप नहीं करा सकेंगी, अब क्या किया जाए। अब्बा की आईडी पे अमल करना, इसको फोन करता हूं, कहता हूं कि आंटी जी आपके मियां अल्लाह के पास चले गए। आहिस्ता सुन ना ले, अपने फोन से फोन ना कर दादा, अगर कुछ पकड़ा गया ना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या करें क्या करें, CCO चलते हैं, बेचारे सुनसान पड़े हुए हैं, वहां जाके एक बंदा जाके फोन वोन करेगा तो कुछ अच्छा लगेगा। घर से भी निकले यार, जरा लाहौर की बच्चियां तो देखें, देखें कैसी बच्चियां लाहौर की। हाँ भाई लाहौर की बच्चियों, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पता लगने वाला है कि कराची से कैसा बाका नौजवान आया है। ये लाहौर की बच्चियों में आया उतारने लगी हूँ ताकि कुछ तो उनको चाका हो, शक पड़े कि मैं बीमार हूँ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। आंख मटक है जारी, बाबे की निकले पटारी, दादी चार नजर करे प्यार दी लाइफ है सारी। बैठ जा। कैसे बैठूं? तो जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे नहीं बैठना, इधर आके मुंह ऐनू करके ते ठा करके बैठ जाना। मैं पूरा नौर आज आपको दिखाऊंगा। सच्ची? कितना मजा आएगा। आलू वाले पराठे हैं, नान चने। बैठो। सेट होके बह गए, शटार करा। ओह पीसीओ, सही जगह पहुंच गया। हाय नबील का बच्चा सुसुल वजूद, अब कहां रह गया? एक ये और एक इसकी अम्मा सकिया, दोनों मेरा प्लान खराब करने पर तुले हुए यहाँ मेरे मालिक। अब मेरा क्या होगा, मैं इसकी अम्मा ओहो अंकल जी, तुसी इत्थे की कर रहे हो? अम्मा बहुत का इंतजार कर रिया हो। या अल्लाह खैर,
मौत के फरिश्ते से कोई टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है? अब मेरी तो नहीं हुई, लेकिन आज किसी ना किसी की होगी जरूर। ये अंकल आज तुसी किड़ियां बहकी गल्ला कर रहे हो? अब बातें तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बेटे ये तेरी समझ में आएगी नहीं। क्यों जी, मेरी समझ में क्यों नहीं आएगी? बेटा ये रूहानियत की बातें। आज उसकी मौत होने वाली है। अल्लाह भला टाल देगा, तू जाके अस्तगफार कर, कसर से कर, अस्तगफार कर। मैं तो कहता हूँ चाचा जी तुसी भी आ जाओ अंदर ही। अब ताजा हवा में चार सांस ले लेने दे। घबराहट हो रही है, ज्यादा घबराहट हो रही, वो बहुत घबराहट हो रही। मुझे निकल ले तू। अब मुझे वो हो रही है, अंग्रेजी में उसको क्या कहते, वो कहते सफोकेशन। अब पता नहीं कैसे, अब कहाँ रह गया तू? आजा। हेलो क्या आगे बोलो। आगे क्यों बोलो जी, मैंने तो कुछ और बोलना है। तो जो बोलना है वो बोलो। हाँ जी, ये चौधरी हाउस है। चौधरी हाउस? हाँ आजकल ये चौधरी हाउस है, बोलो। मुझे आपको एक इतला देनी थी जी। तो दो ना इतला। मुझे आपके जो मेहमान आए हुए ना, उनके शोहर की वफात हो गई है जी। क्या क्या क्या? हेलो, सारे एंगल पे कैमरा घुमा दिया लेकिन मेरी बात पूरी नहीं सुनी। कितने पैसे हो गए भाईजान? सुल्तान भाई क्या हुआ रीमा? फोन आया। फोन पे फोन ही आते हैं, ड्रामे नहीं आते। तू तो इस तरह क्यों खड़ी है जैसे कोई बुरी खबर सुन ली हो? सुन लिया। या अल्लाह, खैर गया कोई, कोई ना कोई गया घर में से। कपिल अंकल का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए चाचा कपिल ना डरे डरे थे, उनको मौत की हार सुनाई दे रही थी। मैं खबर देने भी नहीं चाहिए, बदशगुनी होती है। मेरा तो दिल कमजोर है, मैं तो निपटाऊंगा जाके। माँ तो मुझे कहती है पुत्र तेरा तो खून ही पतला है, मैं तो बेहोशी हो जाऊंगा। हाय, तो फिर खबर कौन देगा? मैं? हाँ भाई, ये कह तो सही रही है। देखो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कफील भाई डाक खाने की मछली खरीद के अपने हाथों से इनको खिलाते हैं। डाक खाने की मछली? हाँ, डाक खाने की मछली तो बड़ी मशहूर है, और निहारी खाने तो हम जी पेश से अजीजाबाद जाते हैं। हाय अल्लाह, कितनी खुशकिस्मत है आप पापा से कहिया। पापा भी आपका कितना ख्याल रखते, कितने लाड करते हैं आपके। और नहीं तो क्या, हम दोनों में प्यारी बहुत है। कफील पुत्र, ओ मैं मोटरसाइकिल चला रहा था कि ट्रक चला रहा था, तुझ में आके बजा है और तुम फौरन मारी गए हो। हाय अल्लाह। आनी मैं जी करा जी। आए कहाँ हैं आप? मैं जी, मैं कहाँ हूँ? हाँ जी, मुझे अपना नहीं होश कि मैं कहाँ हूँ। शमशी जी, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक है ना? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तीनों बच गए। हाँ, तीनों कौन? आप, मैं और मोटरसाइकिल। शुक्र है चौथा भी बच गया। चौथा कौन है? इसको क्या बताऊँ, चौथा कौन? उठे आप, उठो, चलो आप कार चलो। कपिल पुत्र, पुत्री कोई अल्लाह का शुक्र है, वो इसमें कोई ना कोई सा है।
बताओ, तुम्हें शादी की पहली सालगिरह पर उन्होंने मुझे सोने का शेर दिया था। अच्छा, हाँ वो भी चटकी राइस। हाय अल्लाह, पस की आप कितनी को खुशकिस्मत है, देखे पाक तो फिर कितने अच्छे शार साबित हुए हैं ना। हाय अंजुमन, तू दिल छोटा क्यों कर रही है? अल्लाह पाक तेरे लुकमान को भी कफील जैसा कर दे। मनुस मारी, बकवास करे क्यों ना करे। ओ माँ जी, इसलिए कि कबील अंकल बहुत दूर निकल चुके हैं। क्यों फिकर कर रही अंजुमन, मैं और कपिल ना तुझे मिलने के लिए किराजी से आया करेंगे। नहीं आंटी जी, समझने की कोशिश करे, कबील अंकल वहाँ पे चले गए, जहाँ से ना बस आती है ना वैगड़। अंजू माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आंटी सगैया आप बेवा हो गई है, आप विधवा हो गई है, आप विडो हो गई है, कबील अंकल बहुत हो गए। नहीं, हाय नबील के अब्बा, अरे कपिल का चले गए रे, अरे क्या हो गया मेरे कपिल को? अरे अरे, मरने से पहले कोई अल्टीमेटम तो दिया होता, मुझे जहनी तौर पे तैयार तो लेने देते, दो चार दिन बिस्तर पर तो पड़े होते, क्या करूं रे मैं। सुरैया क्या हो गया रे, मुझे बताओ ना, पूछो अपनी बेटी से। दस नहीं अंजू, किस तरह चल बसे पाक फिर? वो मैं बताती हूँ माँ जी, वो ना फोन आया था, वो बाहर से फोन आया था। हाय, बारी काम हो गया जी पाक फील दा। अरे तुम लोगों को तो तफ्तीश करने की भी अकल नहीं है, नबील के अब्बा होते तो सवाल पे सवाल करके इतला देने वाले को ही मार देते। हाय नबील के अब्बा। अरे क्या सबर करूं मैं मेनाज, दो चार होते तो सबर कर लेती, मियां तो सब कहीं की होता है ना। अरे पूछ जाके, हो सकता है वो कार ही ले आए जनाजा। अल्लाह करे माँ जी की खबर पक्की और सच्ची हो, वरना बड़ी बिस्ती होनी है, मैं पता करती हूँ। हाय सबर करो ना, हाय बस बस। की कीता जे दादा जी, ओ सुल्ताने पुत्र प्यार दी कहानी लोको किथे आके रुक गई, हासे तो शुरू हुई, हंजुआ ते मुक गई प्यार दी कहानी। सुल्ताने पुत्र मैनू ला। नहीं दादा जी, सुल्ताने पुत्र। हां जी, प्यार की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, कुछ कार पुत्र। दादा जी, अब तो जो कुछ भी करना है ना, अदालत ने करना है। अदालत, वही उसका क्या तलक है? दादाजी बंदे को फांसी अदालत ही देती है। वो तेरे मुंह में सुआ, वो दादे मंगाने हैं, वो तुम्हारे पैदा होने पे मैंने इसलिए लड्डू बांटे थे, वो लुटियां डाली थी कि जवान होके दादे को फा लगवाए। फिर दादाजी एक काम करें आप। ओकी, मैंने एक फिल्म देखी थी मफरूर, उसमें हीरो जो है वो मफरूर हो जाता है, अब मफरूर हो जाए। ओ पुत्र, वो इस बुढ़ी उम्र में पहाड़ों में धक्के खाता फिरूंगा, कोई और हाल सोच। दादाजी एक ही हाल है, बस आप रुपोश हो जाएं। पुत्र इस लाश को कहीं मेरे साथ मिलके रुपोश कर। पर किथे? वो पुत्र एडा वड्डा घर है, कहीं भी इसको कोने कांचे में सुट देंगे। दादाजी इधर ही किधर लॉन में रखेंगे, इसको कमरे में ले जाएं? ना मेरा पुत्र, इसको पकड़ अंदर लेके चलते हैं, चल। यहाँ तो इसको गिद्धे खा जाएंगी। चल, लेकिन सुटना किधर है? मेरा पुत्र, मोड़े जब तक साथ देंगे चुकी रखेंगे, यहाँ मोड़े थक गए चौक के मारेंगे डा। ठीक है। हाय नबील के अब्बा, हाय नबील के अब्बा, कहाँ चले गए बड़ी जवानी में मुझे छोड़ के? अब महमूद की रेड़ी से कौन मुझे दही बड़े के लाएगा? अभी तो हमारी सिल्वर जुबली में नहीं हुई रे। अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। आप ऐसे कहिया सबर करे ना, असला करे आप। अरे कैसे सबर करो सुरैया, कैसे सबर करो मैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है, कोई 55 को साल होगी। अल्लाह अल्लाह, नबील के अब्बा
सबर कर, सबर। क्या हुआ माँ? अरे नबील, मेरे बच्चे, अरे क्या हो गया? अरे तेरे अब्बा छोड़ के चले गए रे, हमने छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता। अरे अच्छा ही हुआ जान छुटी उस मनहूस छूटे आदमी से। अरे तुम लोग की तो नीयतें खराब है, मैंने कहा था ना पकड़े जाओगे, पुलिस तो ना पकड़ सकी मगर अल्लाह की पकड़ में तो आ गए ना। अम्मा क्या कह रही हूँ? अरे जब से मैं आई हूँ पहली बार जकिया ने कोई अच्छी बात की है। बकवास बंद कर फिरा डन औरत, सब जानती हूँ मैं तेरे छोड़ लेने वाले किससे। क्या कह रही अम्मा? ठीक कह रही हूँ मैं। तौबा तौबा, आपा जकिया के दिमाग में ना पाक फील के मरने का बहुत ही पैड़ा असर हो गया। क्या कह रही आंटी? हाँ नबील पुत्र, तुम्हारे अब्बा फोत हो गए हैं। अब्बा फोत हो गए? ये किसने कहा? उस गैर फिल्मी अंजुमन ने जो तौल तल के मेकअप करती है। वो फोन आया था कि भाई कफील जहन्नुम रसीद, नहीं मेरा मतलब है मेरा मतलब गुजर गए। तेरी बारी भी जल्दी आने वाली है, धूप देख कर सूरज की पेशन गोई करने वाली औरत। अम्मा अम्मा चलो 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 कमरे में चलते हैं। अरे नहीं जाऊंगी मैं, कहती हूँ अपनी नियतें दुरुस्त कर लो वरना तेरा भी वही हाल होगा। हाँ अम्मा चलो कमरे में चल के मिल के अब्बा की बुराइयां करेंगे आराम से, आ जाओ। नहीं नहीं नबील पुत्र, इनको दिल हल्का कर लेने दो। आंटी अम्मा जो है ना बहुत थक गई हैं, गुस्से में निढाल होती जा रही हैं, कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लेंगी। तो यहाँ कौन सी पाथियां लगा रही हैं ये? चले मामा चले अंदर चलते आइए। अरे नहीं जाऊंगी मैं, बैठी हूँ यहीं पे और यहीं पे तुम लोग का कच्चा छट्टा खोल लूंगी मैं। हाँ ये काम अंदर भी तो कर सकते हैं। अरे नहीं करूंगी मैं, नहीं जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ था मेरे, अरे तू भी फंसेगा, मना किया था मैंने, झूठ मत बोलो। अरे तुम लोगों ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, यही होना था। अम्मा अगर मेरे और अब्बा के झूठ मिला भी दिए जाए तब भी तुम्हारे झूठ से कम होंगे, अभी देखना एक मिनट में। हाँ अब बोलो अम्मा क्या कह रही थी तुम? नबील हम तो यहाँ से ट्रक भर के ले जाने आए थे, क्या पता था तुझे पता यहाँ से डिब्बा ले जाना पड़ेगा रे। नबील के अब्बा। अम्मा रो मत यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिमाग पे तेरे गम चढ़ गया बेटा, तेरे अब्बा मर गए। अम्मा अब्बा मरे नहीं है, वो अब्बा ने अपने मरने की इतला खुद ही दी थी। है? क्या बकरी है तू? हाँ अब्बा ने मुझसे फोन करवा के ये इतला दिलवाई थी ताकि मेहनत फ्रॉडन भाग जाए, लेकिन तुमने तो अपना नया तमाशा खड़ा करके सबको जमा कर दिया यार। तौबा 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 तौबा, है लाना तो दफा दूर, है रो रो के मेरा हशर बुरा हो गया। चलो ये तो अच्छा हुआ प्रैक्टिस हो गई, लेकिन ये बताओ कि मेहनत फ्रॉडन का क्या करें, मैंने तो उसके मियाँ के मरने की खबर दी थी। अरे अच्छा ही हुआ ये खबर ठीक नहीं पहुँची, अरे उसका मियाँ तो कब का छोड़ के जा चुका, उसे मर मरा हो गया कहीं? नहीं ईमान से। हाँ पर ये तो बता तेरे अब्बा कहाँ है? हाय मैंने तो उनके नाम का इतना रोना पीटना कर लिया, अब तो डर लग रही है, उन्हें देखूंगी तो सुकून मिलेगा। कमरे में कहीं छुपे होंगे, जाओ जाके देखो और सुकून पालो। लेकिन हाँ एक बात बताऊँ, नीचे जाते ही ना मामला क्लियर कर देना, उनको बोल देना भाई कोई रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है? मैं जब तक आंटी को भगाने की प्लानिंग करता हूँ, ठीक है? जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ मी जा रही हूँ, देख रहा हूँ कि तुम जा रही हो। मैं आंटी को कैसे भगाए यार? कितना प्यारा है, मेरी जरा सी परेशानी भी इसने फौरन ही समझ ली। मुझे तो हैरत होती है कि नौकर तो कहीं से भी नहीं लगता। थोड़ी फिल्मी है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है और सेंसिटिव भी है। इतने सारे लोगों में सिर्फ उसी को मेरा ख्याल रहता कि मैं अकेला काम करूं। उस दिन होटल में कितना स्मार्ट लग रहा था, स्टाइलिश भी है, अंग्रेजी भी बोल लेता और जब भी मेरे साथ बातें करते तो दिल चाहता है सुनते ही जाऊं, बस सुनते ही जाऊं। सोचता हूँ उससे बात कर लेकिन फिर डरता हूँ अगर इसने कोई सीन क्रिएट करके अपडेट, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। बेबो अगर मैं सच्चा हूं तो तुम्हें जवाब जरूर दोगे।
हाय मैं मर गई, ले फौतगी वाला दिन है, सरगी में नहीं उठाया किसी ने। याद आया मुझे, मैंने फौतगी वाला मेकअप करना। अरे नबील, अरे उठ जा ना, अभी तक सो रहा है, उठ जा। क्या हो गया? तेरे अब्बा सारी रात घर नहीं आए। अच्छा, तो फिर नाई के पास चले जाऊंगा बाल कटवाने। अरे क्या नाई की दुकान पर गिरे हुए बाल गिनते रहे होंगे रात भर? मुझे तो कोई और गड़बड़ लग रही है। अरे कम से कम रमजानों में तो अब्बा पे शक ना करो, फोन ट्राई करो। अरे उठ जा ना, फोन नहीं मिल रहा। अरे उठ जा ना। यार क्या है अम्मा, सुकून से क्यों नहीं सोने दे रही? अरे सुकून कहाँ, वो मेनाज यहीं पर है, उसका बंदोबस्त कर जाके। चल उठ जा मेरा लाया, उठ जा। अरे उठ जा ना। उठ रहा हूँ यार, मार मार के लाल पीला कर दिया मुझे। अरे वहाँ कहाँ जा रही है? अरे यार अभी सो के उठा हूँ, अंदर जाऊंगा, कुल्ली करूंगा, ब्रश करूंगा, मुंह धोऊंगा, चेंज करूंगा, फिर आऊंगा ना नीचे। हाँ बन सबर के जाएगा अब्बा को ढूंढने, जल्दी कर निकम्मे। बहुत पटाखे मारता है। कितनी मर्तबा का आया कि सोते हुए मुंह के साथ सलंसर बांध के सोया करो। सुल्तान है, सुल्तान पुत्र ए, सुल्तान सुल्तान तेरा दादा। दादाजी शुक्र है पुत्र तुझे होश आ गए, ये तो मेरी भी लाश बन जानी। दादाजी बैठो बैठो, इतने सवेरे सवेरे। मैं सवेरे सवेरे उठ जाऊं तो दफा 144 लग जाती है। दादाजी दफा 144 तो कुछ भी नहीं है, जो आपने काम किया ना वो है दफा 302। ओ पुत्र मेरा मतलब है कि उठ चल के लाश का हाल पता करें। दादाजी जिंदा लोगों का हाल पूछा जाता है, लाशों का नहीं। वो पुत्र लाश उठ के चल पड़ी तो कौन जिम्मेदार है, इसलिए उसको उठा के तो उसके कमरे में पहुंचाएं ताकि हमारा नाना ना लग जाए। हाँ दादाजी इधर आओ, इधर आओ, लेटो लेटो, एक घंटे बाद चल के देखेंगे। पुत्र अगर लेट गए ना तो फिर ये काम लेट हो जाएगा, उठ मेरा पुत्र। दादाजी पुत्र काम हुए जो टाइम टाइम हो जाए। चलो आ जा मेरा बूट पा लान दे दादा, आटे च पा ला, मैं फिर आ जा, टाइम नहीं है।